वहां पर हमारी सेकंड सेमेस्टर से ही क्लिनिकल क्लासेस लगनी चालू हो गई थी, जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने अपने कुछ सीनियर से बात की, उन्होंने बताया था कि इंडिया में भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बाद ले जाते हैं ओटीएस वगैरह में, हॉस्पिटल्स में, सर्जरी रूम्स में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू भोजन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। आज हमारे साथ है अभिषेक कुमार सिंह, इंडियन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट सेकेंड ईयर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर इनका कंप्लीट हो चुका है, लास्ट ईयर इन्होंने हमारे थ्रू एडमिशन लिया था। सबसे पहले अभिषेक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका फर्स्ट ईयर हैसल फ्री स्टडी जर्नी रहा है आपका। थैंक यू सर। और अभी आप कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, सो देट जो न्यू एडमिशंस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको पता लगे। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो आपका इंडियन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में स्टडी जर्नी रही है फर्स्ट ईयर, वो कैसा रहा है? आई एम अभिषेक, मैं भी सेकेंड ईयर में जाऊंगा। मैंने भी जस्ट 1 साल पढ़ाई किया है इंडियन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में। वहाँ पर मेरा 1 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। वहाँ पर अगर हम बात करें क्लिनिकल एस्पेक्ट्स की, तो वहाँ पर हमारी सेकंड सेमेस्टर से ही क्लिनिकल क्लासेस लगनी चालू हो गई थी, जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि मैंने अपने कुछ सीनियर से बात की, उन्होंने बताया था कि इंडिया में भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बाद ले जाते हैं ओटीएस वगैरह में, हॉस्पिटल्स में, सर्जरी रूम्स में। पर यहाँ पर क्लिनिकल एस्पेक्ट में हमें सेकंड सेमेस्टर से ले गया, जहाँ पर हमने कई मेजर सर्जरियाँ देखी, कोई माइनर परफॉर्म भी की, हमें यहाँ पर सर्जन की हेल्प करने का मौका मिला, जैसे उनकी कुछ हेल्प करना और कई चीज़ें, कुछ माइनर सर्जरियाँ परफॉर्म करी, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर वगैरह ना चेक करना, ऐसी कई चीज़ें हमने वो करी, जिससे कह सकते हैं कि हमारा क्लिनिकल जो भी एक्सपेक्ट था काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पर, जितना कि हम इंडिया में शायद नहीं देखने में मिलता फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को। ये थी क्लिनिकल। और अगर हम बाकी ओवरऑल स्टडी की बात करें, तो हमारे 15-15 बच्चों की ग्रुप की क्लास होती है, जहाँ पर और हमारे पर डे 3 से 4 क्लासेज होती है, 3 और 4, अबाउट 1 to 1.20 मिनट्स, जहाँ की हमारे टीचर्स है काफ़ी कोऑपरेटिव है, और ओवरऑल स्टडी हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, जिससे कि और हमारे एग्जाम्स एज वेल एज एग्जाम्स को होते हैं हर हफ्ते, हम डेली बेसिस पर मार्किंग होती है, और ऐसी कई चीज़ें जो कि आपको प्रेफर करने के लिए काफ़ी इनफ है इंडियन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। वहाँ की अगर हम बात करें स्टूडेंट टीचर रेशियो अच्छा है? काफ़ी अच्छा है, हर 15 बच्चे पर एक टीचर है, और कभी कभार उनका असिस्टेंट भी साथ रहता है, मतलब आप कह सकते हैं 15 स्टूडेंट पर 2 टीचर। और क्लिनिकल आपका फर्स्ट ईयर में अच्छा हुआ है, काफी अच्छा कि आपने बताया। लाइब्रेरी का क्या है? अगर हम लाइब्रेरीज की बात करें, तो लाइब्रेरीज हमारी एक मेन बिल्डिंग है, वहाँ पर एक काफी बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ पर हमें विदेशी ऑथर तो है ही ऑथर, हमें इंडियन ऑथर्स की भी किताबें मिल रही हैं, जैसे एके जैन, पी डी चौरसिया, और काफ़ी सारी इंडियन ऑथर्स की है, मतलब हमें यहाँ से बुक ले जाने की भी जरूरत नहीं है, हम वहाँ पर जा सकते हैं, अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड पास दिखाएं और जितना मन करे वहाँ पर पढ़ सकते हैं, इशू करवा सकते हैं पढ़ने के लिए किताबें। और हमारे नियर बाई बिल्डिंग में लाइब्रेरी है, वहाँ पर भी काफ़ी किताबें हैं, हमारे इवन हमारे हॉस्टल बिल्डिंग में एक लाइब्रेरी है, वहाँ पर भी हम जाकर पढ़ सकते हैं। अगर आपका इतने से भी मन ना भरे, तो हमारे हॉस्टल बिल्डिंग के बगल में एक पेड लाइब्रेरी है, जो कि बिल्कुल मिनिमल फ्री है, वहाँ पर भी जाके पढ़ सकते हैं। तो अगर हम स्टडी रिलेटेड देखें, लाइब्रेरी वगैरह देखें, स्टडी रिलेटेड बुक्स देखें, तो एक बच्चे के लिए जितना होना चाहिए इनफ है वहाँ पे? मोर देन इनफ है, इससे ऑनेस्टली इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि वहाँ पर मैं यहाँ से पहले सोच के गया था कि मुझे शायद किताबें मैं नहीं लेकर आया, मुझे दिक्कत होगी, बट वहाँ पर ऑनलाइन मटेरियल तो प्रोवाइड करते ही हैं टीचर, पर वो हमें वहाँ पर ऑफलाइन बुक्स भी और सारी मिल जाती है वहाँ पर पढ़ने के लिए भी, और अगर मैं अपने हॉस्टल रूम में लाना चाहूँ तो वहाँ पर भी इशू हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स की, और टीचर के गाइडेंस कहीं मुझे कहीं दिक्कत महसूस नहीं हुई। टीचरों का बिहेवियर कैसा रहा है आप लोगों के लिए? टीचरों का बिहेवियर ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है, सिर्फ स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स पे नहीं, अगर हमें कुछ सिविल लोग छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है अगर वो भी हम उनके साथ शेयर कर रहे, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी हेल्प की हमारी। और अगर हम वैसे देखें कि उनकी इंग्लिश फ्लुएंट इंग्लिश को लेके रहता है बच्चों का कि पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मुझे कुछ फील होने नहीं हुआ, क्योंकि हाँ मैं भी यहाँ से सोच के गया था कि यार दूसरे देश में जा रहा हूँ, यहाँ पर ना वो हिंदी बोलते हैं ना इंग्लिश बोलते हैं, तो फिर कैसे करेंगे कम्युनिकेट, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं आया, क्योंकि जितने भी उन्होंने स्टाफ रखा है या टीचर है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, वो काफ़ी अच्छे हैं, इंग्लिश उनकी फ्लुएंसी भी अच्छी है और बोलने में भी काफ़ी सही है, उनसे जो भी सारे स्टडी रिलेटेड है, हमारी साइट है वगैरह सब इंग्लिश में है, जो उनके लोकल बच्चों के लिए हाँ अलग है, रशियन में चलती है, लेकिन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इंडिया वगैरह के, उन सब के लिए सब कुछ इंग्लिश में है, प्रॉपर टीचर्स, फैकल्टीज, एवरीथिंग। और हॉस्टल फैसिलिटी की अगर हम बात करें, तो ओवर क्राउड या फिर जो हॉस्टल में दिक्कतें होती हैं, ऐसा कुछ आप लोगों ने फील किया वहाँ पे? ओवर क्राउड की कोई समस्या नहीं है, वो हमारी अपनी मर्जी पर भी, कुछ बच्चों ने 3 का ले रखा है,
थ्री बेडरूम है, फोर भी है, टू भी है, वो एज पर चॉइस है। मेरा कहने का मतलब है जैसे ओवर क्राउड, बाकी जगह बहुत ट्रांसफर्स वगैरह हुए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, वैसा ऐसा कुछ नहीं है ओवर क्राउड। सिर्फ हमें एक ही बार ट्रांसफर किया गया, वो भी शायद नई बिल्डिंग। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ट्रांसफर यूक्रेन रिटर्न वगैरह, ओवर क्राउड जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा बच्चों का, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल हॉस्टल पे हैसल फ्री है, जितने रूम है जितने बेड्स है उतने ही बच्चे हैं। और हॉस्टल अभी हमारी एक नई बिल्डिंग ही बनी है जिसमें हम लोग अभी हैं, उस बिल्डिंग में हमारे फोर फ्लोर है और काफी अच्छा बिल्डिंग बनी है जिसमें टाइल्स लाइट्स वगैरह वाईफाई में प्रोवाइड करवाया गया हॉस्टल वालों की तरफ से। और हर फ्लोर पर एक किचन है जिसमें हमें रेफ्रिजरेटर माइक्रोवेव वगैरह है। कुछ बच्चे हॉस्टल से मैस फैसिलिटी अगर वहाँ ना खाना चाहे तो अपना कुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कई बच्चे हैं जो टोटली वेज है तो उनको बाहर खाने में नॉन वेज में दिक्कत होती है। मैं खुद प्रेफरेबल वेज हूँ, मुझे डेली मंगलवार वगैरह को नॉन वेज खाने में बहुत दिक्कत होती है, मैं नहीं खा सकता था मैस में, तो मैं खुद किचन में कुक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। माइक्रोवेव है वहाँ पर, हमें इंडक्शन प्रोवाइड किया गया, रेफ्रिजरेटर है वहाँ पर, अगर हमें लॉन्ड्री सर्विसेज है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन वगैरह फुली ऑटोमेटिक प्रोवाइड करी गई है हर फ्लोर पर। तो अगर सेल्फ कुकिंग करना है तो इंडिजन स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में वो फैसिलिटी अवेलेबल, टोटली अवेलेबल है। एक अच्छे साइज का किचन है, वेंटिलेशन वगैरह सब चीज के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ कुकिंग करने वालों के लिए काफी बढ़िया है वो। और ये किचन एवरी फ्लोर पे है? हाँ, हर फ्लोर पे एक किचन है, एवरी फ्लोर पे किचन आपको प्रोवाइड किया गया है। और बाकी अगर हम वहाँ के लोगों का बिहेवियर देखें, जो लोकल पीपल्स हैं, लाइक अगर स्पेशली हम किसी लड़की गर्ल्स स्टूडेंट के लिए देखें, तो आप सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या बोलना चाहेंगे? पहली बात, अगर हम लोकल लोगों का बिहेवियर देखें, तो जिस दिन मैं पहले दिन गया था, मैं उस दिन मैं रात को पहुंचा था वहां पर रात के 3 बजे, सुबह 6 बजे जस्ट थोड़ी बाहर को निकला, तो सबसे पहले लोगों ने मुझे घेरा और मेरे साथ फोटो खींची। ऐसा सिनेरियो हुआ था, लोगों ने फोटो खींची, वो मतलब काफी अच्छा हमें ट्रीट करते हैं, अपने से थोड़ा सुपीरियर ही मानते हैं अगर देखा जाए। हमें कुछ ऐसा फील नहीं महसूस हुआ कि हम कहीं बाहर आए हैं या हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, रेसिज्म हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है ऐसा मैंने बिल्कुल फील नहीं किया। और ओवरऑल अगर कभी हम बाहर जा रहे हैं मॉल मार्केट वगैरह में भी, तो लोग हमसे बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान हिंदुस्तान करके हाथ मिलाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। इवन हमारे पास लैंग्वेज बैरियर है, उनके पास नहीं आती, फिर भी वो जितना इंडिया में अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते उतना वो इशारों में कर लेते हैं कम्युनिकेट। ऐसा है, अगर लोगों का बिहेवियर की बात करें, मैं 10 में से 11 रेट करूंगा अगर बिहेवियर, क्योंकि मैं इतना एक्सपेक्ट करके नहीं गया था विदेश के हिसाब से कि ऐसा बिहेवियर होगा, लेकिन बहुत अच्छा बिहेवियर रहा। और वहाँ की साफ सफाई बात कराई जाए, बहुत क्लीन है, एज आपको लगेगा नहीं कि आप कहीं बाहर हो, इंडिया एशिया वगैरह में हो, आपको ऐसा लगेगा कि आप यूरोपियन कंट्री में हो, मुझे इतना ज़्यादा साफ सफाई महसूस हुआ वहाँ पर। और बाकी अगर हम देखें कि मतलब यूनिवर्सिटी में चलिए स्टडी अच्छी है और हॉस्टल फैसिलिटी भी अच्छी है, क्लिनिकल भी आपका अच्छा हुआ, लाइब्रेरी भी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड भी चीजें ठीक है। आपको मैंने सेफ्टी सिक्योरिटी बात नहीं की, आपने मुझे पूछा कि गर्ल्स रिस्पेक्ट में, जो हमारा कॉलेज है वहाँ पर लगभग 4-5 गार्ड हैं, और फिर जो पूरे कैंपस के लिए 4-5 गार्ड गेट पे हैं जो कि स्टूडेंट कार्ड चेक करके ही एंट्री देते हैं, और रात 10 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाती है कि अगर कोई बच्चा बाहर है तो नहीं रह सकता, क्योंकि फिर दिक्कत होती है उसे, क्योंकि बच्चे बाहर ना जाए, गलत काम ना करे इस चक्कर में, इसलिए उन्होंने कर रखा है। उसके बाद हमारी जो मेन सिर्फ स्पेसिफिकली हमारी वाली हॉस्टल बिल्डिंग है जिसमें हम रह रहे हैं, अभी नई बनी है, वहाँ पर भी पर्टिकुलरली 2 गार्ड रखे हुए हैं, बाकी वहाँ पर स्टाफ है नीचे जो कि पूरा मेंटेन करता है, हर फ्लोर पे 3-4 कैमरे लगे हुए हैं सेफ्टी सिक्योरिटी रिलेटेड, और वहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से मेंटोर प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि हमारी किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है जैसे तबियत वगैरह कुछ भी दिक्कत होती है छोटी मोटी, वहाँ पर हमारे पेरेंट्स तो है नहीं यहाँ पर, तो जो भी उन्हें देखना है, तो कुछ भी दिक्कत होती है उसके लिए वहाँ पर है तो मेंटोर्स रखे हुए हैं हम लोगों ने, तो सेफ्टी से रिलेटेड चाहे कोई लड़का हो लड़की हो किसी को भी, मेरे हिसाब से वैसे वहाँ के लोग ही वैसे नहीं है कि तुम्हें कुछ गलत महसूस हो रहा है, वैसे लोग ही वहाँ पर नहीं है, और इवन अगर कुछ 1% शरारती तत्व होते भी हैं तभी भी वहाँ पर गार्ड्स वगैरह काफी अच्छे हैं, तो इसलिए कोई रिलेटेड इशू नहीं है सिक्योरिटी से रिलेटेड। और चलिए ये तो हो गया, आपने लास्ट ईयर हमारे थ्रू एडमिशन लिया था, तो जो जो चीजें हमने आपसे बोला था वो हमारे कहने में और करने में आपको कोई फर्क लगा? अब तक तो मुझे ऐसा कुछ फर्क नहीं लगा। जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो यार सबके मन में यार थोड़ा सा होता है कि मैं फर्स्ट टाइम इस बंदे पे जा रहा हूँ, इतने पैसे दे रहा हूँ, मुझे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग में हाँ मेरे साथ भी हुआ था ऐसे थोड़ा सा ट्रस्ट इशू, सबके साथ होते हैं, मुझे भी था, पर जब मैंने थोड़ा बहुत आपसे एंगेज किया आप उसे एयरपोर्ट, मुझे तभी लगा कि हाँ ठीक लगा है, मैंने अपने सही आदमी के साथ हूँ मैं। फिर जब मैं आपके साथ आया मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं है, जैसे आपने मुझे बोला कि वहाँ पर जाके हमारे ये होगा कि हमने एक हॉस्टल बनाया जहाँ पर किचन है,
वो मुझे जैसा जैसा आपने यहाँ पर बोला था वैसी वैसी सारी बातें वहां पर मिली, चाहे वो आपने हॉस्टल के बारे में बताया, चाहे टीचिंग के बारे में बताया कि ओवरक्राउड नहीं है, फलाना धमकाना, जैसा भी आपने बताया था। और मैं बिल्कुल हैसल फ्री रहा इनसे। बाकी जैसे मेरे को अगर कोई भी जरूरत होती थी, कुछ छोटी मोटी बात हुई, मैंने सर को एवरी टाइम कॉन्टैक्ट किया। अगर रात के मैंने 2 बजे भी कॉन्टैक्ट किया है, अगर सर उस वक्त कॉल ना आए तो मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर कॉल बैक आ जाया करता था। तो इस मामले में मैं भोजन एडिटेक आप सबको प्रेफर करूंगा। अभी तक जैसा ऐसा नहीं है, जैसे आप लोग भी एडमिशन से पहले कई लोग होते ना मैनिपुलेट करते हैं कि अच्छे लोग नहीं है मत जाइए, और आप लोगों के भी कई सारे डाउट थे, अभी भी सेम चल रहा है। कई स्टूडेंट है जिनको लोग मैनिपुलेट करते हैं कि नहीं इनका डायरेक्ट नहीं है, ये आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा कभी आप लोगों को फील हुआ है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हुए बिल्कुल फील नहीं हुआ। अगर जो लोग ऐसे कर रहे हैं तो आप उनको बेझिझक जाके उनको सर से बात करवा दीजिए। जो थैंक यू अभिषेक, आपने इतना अपना वैल्यूएबल फीडबैक दिया है। तो आई होप गाइस कि आप लोगों के कई डाउट्स होते हैं, तो अगर ये डाउट्स आपके हैं, जितने भी डाउट्स क्लियर करने की हमने कोशिश की है, तो आई होप कि वो डाउट्स क्लियर हुए हों आपका। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू गाइस।